नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज है दिन मंगलवार और आज है मेरा व्रत, जो आज है हल छठ। तो मैं आज व्रत हूँ। व्रत में आज कैसे मैं पूजा करूँगी और क्या क्या सामान लगता है, मैं उसको भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और मेरे यहाँ जैसे पूजा किया जाता है, मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। हर जगह पे अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का। तो मेरे यहाँ, मेरे घर, मेरी सासू माँ कैसे करती थी पूजा, मैं उसी तरह से पूजा करूँगी। तो पूजा करते समय मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान और क्या क्या हम लोग चढ़ाते हैं हल छठ में। तो मिलते हैं पूजा करते समय। तो मैंने यहाँ लिया है पूजा में सामान, मतलब यहाँ मैंने लिया है तीना का चावल, महुआ का पत्ता, महुआ, थोड़ा सा टीना के चावल को मैंने पीस लिया है उसका थोड़ा लेप करने के लिए। और मैंने लिया दही, अमरूद और अगरबत्ती, कपूर, सिंदूर, रोड़ी, मतलब जो भी है वो मैंने सारा रख लिया है सामान यहाँ पे। और फिर उसके बाद से मैं इन्हीं सारे सामानों से मेरा यहाँ पूजा होता है। जो पूजा में और कुछ यहाँ सामान नहीं लगता है, क्योंकि वो कहा जाता है कि हल्का जोता हुआ कोई भी सामान नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ सारे सामान को मैं एक थाली में धो के अच्छे से रख ली हूँ और फिर पूजा करने के लिए मैं जा रही हूँ। हाथ आ गया। हमने बहुत अच्छे से कर लिया और पूजा करने के बाद मैंने अपना कपड़ा भी चेंज कर लिया है। और उसके बाद से मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में बच्चों का खाना बनाऊंगी, मतलब हस्बैंड का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है, तो बच्चों का बस ही खाना बनेगा। तो बच्चों ने कहा मम्मा दाल चावल ही बना दो, तो मैं जा रही हूँ किचन में और बच्चों का खाना बनाऊंगी दाल चावल। तो चलते हैं किचन में और खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। रख दिया मैंने, सब्जी हो रहा है और दूसरी तरफ दाल हो के रेडी हो गया है, जो बच्चे अभी खाना खाएंगे। उसके बाद से मैं चावल रखूंगी।
चावल बनके हो जाएगा रेडी, तो फिर उसके बाद से बच्चों को मैं खाना दूंगी। बेटी के लिए रोटी और भिंडी लेके जा रही हूँ, उसको रोटी और भिंडी बहुत पसंद है। लो बेटा, मेरे बच्चों का खाना पीना हो गया और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा आराम करूँगी और चलूँगी छत पे। थोड़ा कपड़ा धोना है तो मैं कपड़ा धोने के लिए छत पे अभी ऊपर मैं जाऊँगी। ये रहा मेरे व्रत का खाना, जिसमें दही, चौलाई का साग और टीना का चावल है। आपके हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और सबका मतलब खाना पीना हो गया अच्छे तरीके से। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नए अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।